सहारनपुर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, तो क्या है इस वीडियो के माध्यम से जो भी है हमें अपडेट मिल रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरी जानकारी हमें इंटरनेट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिल रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। देखिए सारा इंडिया की नई रिफंड लिस्ट जारी, पहले इन लोगों को मिलेगा रिफंड, उसके बाद उसमें देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा क्या बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। देखिए सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आम जनता के सहारा इंडिया में डूबे हुए पैसे के पुनः भुगतान के लिए सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई है। सहारा इंडिया रिफंड के प्रथम चरण में 10,000 रुपये की रिफंड राशि निवेशकों के बैंक खाते में डाली जा रही है। यदि आपका भी पैसा सहारा इंडिया में डूबा हुआ है तो आप सभी सहारा इंडिया के द्वारा सितंबर 2023 में बनाई गई रिफंड पॉलिसी के अंतर्गत आवेदन कर रिफंड राशि प्राप्त कर सकते हैं। पहले चरण में समाप्त होते ही सहारा इंडिया ने रिफंड के दूसरे चरण में भी प्रारंभ कर लिया है तथा सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 को भी जारी कर दिया है। 25 नवंबर 2023 को इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत 19,999 रुपये तक के निवेशकों को उनकी जमा राशि का भुगतान किया जाएगा। दूसरे चरण के समाप्त होने के बाद इसके तीसरे चरण को प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें शेष सभी निवेशकों को पुनः भुगतान किया जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड न्यूज, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सितम्बर 2023 में सहारा इंडिया कंपनी द्वारा एक नई रिफंड पॉलिसी जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी निवेशकों को उनकी जमा राशि रिफंड की जाएगी। पहले कम जमा निवेशकर्ताओं से की गई है, क्योंकि सहारा का नाम मानना है कि पहले गरीब लोगों को उनकी जमा राशि मिलनी चाहिए। यदि आपने भी सहारा इंडिया में निवेश किया था तो अब आप इसके रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिफंड राशि लिस्ट व इसकी आवेदन की अधिक जानकारी के लिए नीचे लिस्ट के माध्यम से दी गई है। आप इस लिस्ट में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण कर रिफंड लिस्ट चेक कर सकते हैं तथा रिफंड राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों जो भी है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ये देखिए साइड दिया है, अभी तक जो है आपने ऑनलाइन नहीं किया है तो जा करके ऑनलाइन कर दीजिए। यदि आपका पैसा 19,999 के अंदर है तो आपका पैसा मिल जाएगा, यदि उससे ऊपर है तो अभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि जिनका 19,999 रुपये है उनका अभी नहीं मिलेगा, जिनका नीचे है 19,999 रुपये से नीचे है उन्हीं का मिलेगा, जिनका ऊपर है उनका अभी नहीं मिलेगा। तो भाई आप लोग को वेट करना है, यदि ऊपर है तो, यदि नीचे है तो आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए। और जो लोग का और जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो भाई अपना जो है लिस्ट चेक कर लें कि किसके कारण जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, उसे सही करवा करके आप री अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो फिलहाल इसके बारे में जो भी हमें अपडेट मिल रही है तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं आ रही है पैसे भुगतान को लेकर, तो जो भी हमें अपडेट मिलेगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन करूंगा। तो भाई आप लोग बने रहेगा, कहीं भी इसकी मत करिएगा, आप लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर तरह के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, जय हिंद।